सोमवार को मनाया गया गौरी पर्व। मन्नतधारियों के ऊपर से गुजरेगा गायों का झुंड। पड़वा के दिन नगर में गाय गौरी का पर्व मनाया, जिसे देखने के लिए नगर सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। वर्षों से चली आ रही गाय गौरी पर्व की परंपरा आज भी जारी है। नगर के पंपावती तट पर मनाया जाने वाला गौरी पर्व प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आज धूमधाम के साथ मनाया। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में गायों का झुंड मन्नतधारियों के ऊपर से गुजरा। मन्नतधारी अपनी मन्नत पूरी होने के बाद जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से एक के बाद एक सैकड़ों गायों का झुंड निकलता है। खास बात यह है कि सैकड़ों की संख्या में मन्नतधारियों के ऊपर गाय निकलने के बाद भी मन्नतधारियों को एक खरोंच तक नहीं आती। इस तरह गायों के उनके ऊपर निकलने के बाद मन्नतधारी अपनी मन्नत पूरी करते हैं। जानकारी देते हुए पेटलावत के कांतिलाल डामर, लक्ष्मण डामर, ढुला पारगी, काना डामर, पेमा डामर ने बताया कि गाय गौरी पर्व पर गायों को रंग बिरंगे रंगों से रंगकर उनके सींगों पर मोर पंख व गले में घंटियां आदि बांधकर उन्हें सजाया जाता है और बाद में उन्हें गाय गौरी स्थल पर लाया जाता है, जहां पर पूजा पाठ के बाद गायों को मन्नतधारियों के ऊपर से निकाला जाता है। इस पर्व को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। पेटलावत से चंदू राठौर की रिपोर्ट। जो हमारे बाप दादा करते आए और हम उसी परंपरा से चल रहे हैं और जो मन्नतें मांगी जा रही है वो पूरी हो रही है और 20-22 दिन हम धूप ज्ञान करते हैं और जो जलाते इसी प्रकार से साढ़ू माता जो पसंद होती है और जो चिड़िया उड़ाते हैं वो उसका कारण वो है कि हमारे शरीर पे एक भी खरोच नहीं लगती है। जिसके घर के अंदर चिड़िया चली जाती है मुर्गी, उसका घर भी मुर्गी से पूरा भरा हरा रहता है और हमारी भी मन्नत पूरी पूरी हो जाती है। क्या नाम आपका? सोहन गांवर। आप भी मन्नत से ही मैंने 5 साल मेरे भी हो जाएंगे अगले साल, 5 साल या अभी 4 साल चल रहा है और 5 साल से मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम इसको पूजन करके आशीर्वाद लेंगे।